हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो क्या नाचो मैं? आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लास्ट भी देखना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मस्त प्लान है। वीडियो में पहली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि शुएब अख्तर के रिलेटेड है। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो निदा यासर को ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि निदा यासर के ऊपर अपने गलत जवाब देने की वजह से काफी ज्यादा तनकीद होती रहती है, और ऐसा ही कुछ शुएब अख्तर की वीडियो में हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, किस ईयर में जीता था? 2006? नहीं, पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था? क्या एक पर जरा मैं चुप यार शास्ता, यार मैं अपने इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ। नहीं नहीं शास्ता, 92 यार ये तुम दोनों मिली हुई आपस में। अब दोबारा पूछे। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप कब जीता था T20 का? 1992। पाकिस्तान 2009 का वर्ल्ड कप जीता था? मैं तो वो पिछला वाला क्वेश्चन का जवाब दे रही थी। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पाक क्विज के सुनील मंच के रिलेटेड है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि कराची के अंदर उनका एक मीटअप होगा। ये मीटअप कब और किस जगह पर होगा इस बारे में अपडेट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, कराची के लोगों के लिए गुड न्यूज है जी। 19 फरवरी को कराची में जो है पाक व्हील यूज कार मेला होने जा रहा है, और ये एक्सपो सेंटर कराची में होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके अभी ही जो गाड़ी है वो मेले के लिए रजिस्टर कर लें। बाद में जगह ना मिलने की सूरत में आपको परेशानी का सामना हो सकता है, पहले आइए, पहले भाई की बुनियाद पे जो जगह है स्लॉट फिक्स्ड होते हैं ताकि वो आपको जगह जो है मेले के अंदर मिल सके। वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इरफान जुनेजो जो के रिलेटेड है। तो लोग उनको काफी ज्यादा हेट दे रहे थे। लोगों का कहना था कि इरफान जुनेजो ने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है उन्होंने दुनिया के काफी ज्यादा ममालिक में विजिट किया है, लेकिन अभी तक वो उमरा करने नहीं गए। सब बातों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की। Guys, my YouTube channel started in 2017. उसके बाद मैं टर्की गया काफ़ी दफ़ा, UK, मलेशिया, इंडोनेशिया, थोड़ा बहुत यूरोप गया, तो वीडियोस बनाई और लोगों को बड़ी पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोगों को फिर एक शिकायत हुई कि यार आप दुनिया भर घूमते रहते हैं लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको, आप अभी तक मक्का नहीं गए, आप मदीना मुनव्वरा नहीं गए, किस तरह के आप बुरे मुसलमान और इंसान हैं। अब लोगों को लगता है कि मेरी ज़िंदगी 2017 से ही शुरू हुई है, उससे पहले तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उससे पहले क्या हुआ, मैं उम्रा कर चुका हूँ 2010 में। लेकिन लोगों को ये बड़ी शिकायत थी, तो अब क्या करें, लोगों की खुशी के लिए उम्रा करने जाएं। अच्छा वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अली जफर के रिलेटेड है। अभी रिसेंटली PSL 8 का एंथम रिलीज हुआ था, तो लोगों ने जिसको काफी ज्यादा हेट दिया। लोगों का कहना था कि ये एंथम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और PCB को चाहिए कि वो PSL का एंथम अली जफर से लिखवाएं। इन्हीं सब बातों का जवाब देते हुए अली जफर ने कहा, अगर आप लोगों को PSL 8 का एंथम पसंद नहीं आया तो आपका भाई हाजिर है। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की, उनकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। PSL एंथम के बाद अली जफर को क्यों याद करते हैं? ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आई थिंक वो अभी रिलीज हुआ ही है, उसको थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और यार मैं आसिम फारिस और शेगिल इन तीनों का बहुत फैन हूँ, तो वो जो भी चीज़ करते हैं अच्छी होती है। एक दफ़ा मैं तारों को लटक के अपनी जान की बाजी लगा के भी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सो एक ब्रांड बनाया PSL पहले 3 साल। अब होता यह है कि मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, तो जो नई मैनेजमेंट आती है वहाँ पर जो मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनकी जो समझ बूझ के मुताबिक जो उनको अच्छा लगता है उस तरह करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम। और अगर गाना आवाम को अच्छा नहीं लगे तो आवाम के लिए भाई हमेशा हाजिर। गाना मैंने प्रॉपरली सुना नहीं अभी तक, लेकिन आई होप कि अच्छा हो। वीडियो के एंड पर बात कर लेते हैं हम नसीम शाह और उर्वशी रोटेला के रिलेटेड। चर्चा पहले इन दोनों के बीच क्या सीन था वो तो आप सबको पता ही होगा। रिसेंटली नसीम शाह का बर्थडे था, तो उन्हीं को विश करते हुए उर्वशी रोटेला ने एक ट्वीट की, और इसी ट्वीट का जवाब देते हुए नसीम शाह ने भी एक ट्वीट कर दी। तो इन ट्वीट्स के बाद लोग इन दोनों को काफी ज्यादा ट्रोल करने लगे। इसके अलावा पाकिस्तानी फैंस का ये कहना था कि उर्वशी रोटेला को नसीम शाह का पीछा छोड़ देना चाहिए। आप सबका इस सब बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए हमारे पास नहीं न्यूज़ थी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।